तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फेज रिलेशन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ वेव। कि एक जो दो पॉइंट्स होते हैं किसी वेव पे, उनके दरमियान फेज रिलेशन कैसे देखा जाता है। इससे पहले कि हम फेज रिलेशन पे बात करें, तो मैं इस टॉपिक में दो टर्म्स कंटिन्यूसली यूज करूंगा। एक मैं यूज करूंगा पाथ डिफरेंस और दूसरी टर्म में यूज करूंगा फेज डिफरेंस। तो हमें पता होना चाहिए कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि फेज डिफरेंस इज द डिफरेंस इन फेज एंगल्स बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वेव। के किसी वेव के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान जो फेज एंगल का फर्क होता है, उसे हम फेज डिफरेंस कहते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? सपोज ये मेरे पास एक वेव है, अच्छा बेटा आप बच्चों को पता है कि ये जो वेव है ये बिल्कुल उसी तरह की है कि जैसे कि साइन फंक्शन होता है, ठीक है। तो लिहाजा कि अगर मैं इसको थीटा से रिप्रेजेंट करूं और इस एक्सिस को मैं डिस्प्लेसमेंट कहूं, तो इस वेव की जो पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट है आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो साइन की इक्वेशन से, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। और ये जो एंगल थीटा है इसे हम फेज कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू जीरो होती है, इस पॉइंट पे हम थीटा की वैल्यू को लेते हैं, इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू को जीरो, इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू पाई बाय टू। मतलब ये जो पॉजिटिव पीक होती है इसका फेज होता है पाई बाय टू, इस पॉइंट का फेज था जीरो। अब इसी तरह ये जो पॉइंट है इसका फेज होता है पाई, ये जो नेगेटिव पीक है बच्चों इसका फेज होता है, नेगेटिव पीक का फेज होता है थ्री पाई बाय टू, और इस पॉइंट का फेज होता है टू पाई। इसी तरह अगली पॉजिटिव पी का फेज हो जाएगा फाइव पाई बाय टू, और फाइव पाई बाय टू में पाई बाय टू ऐड करो तो कितना आ जाता है सिक्स पाई बाय टू, यानी कि थ्री पाई। तो इस पॉइंट का फेज हो जाएगा थ्री पाई। अब थ्री पाई में पाई बाय टू ऐड करो तो आपके पास कितना आ जाएगा सेवन पाई बाय टू। और इस पॉइंट का फेज आ जाएगा 8 पाई बाय 2 यानी कि 4 पाई। तो मतलब किसी भी अगले पॉइंट का फेज देखना हो ना आप उसमें पाई बाय 2 ऐड करते जाओ। तो सो बेटा अब मैं इस पॉइंट को कह देता हूं ए, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं बी, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं ए और बी में मुझे फेज डिफरेंस बताओ, तो पॉइंट ए का फेज है पाई बाय टू, पॉइंट बी का फेज है फाइव पाई बाय टू। तो इन दोनों पॉइंट्स में जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, फाइव पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, ये आ जाएगा फोर पाई बाय टू, और फोर पाई बाय टू कितना होता है टू पाई। तो इसका मतलब है ए और बी में जो फेज डिफरेंस है वो है टू पाई। इसी तरह बेटा अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूं पॉइंट सी और इस पॉइंट को मैं कह दूं पॉइंट डी, अब मैं आपसे ये कहूं कि ए, ये ए पॉइंट था जिसका फेज पाई बाय टू है, ये सी पॉइंट है इसका फेज है थ्री पाई बाय टू, तो मैं कहूं ए और सी में फेज डिफरेंस बताओ, तो आप थ्री पाई बाय टू में से पाई बाय टू माइनस कर दोगे तो थ्री पाई बाय टू ये आ जाएगा पाई। ए और सी में फेज डिफरेंस कितना है पाई रेडियन, और ए और बी में फेज डिफरेंस कितना है टू पाई रेडियन। तो सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान फेज डिफरेंस बता सकते हैं। तो आपने क्या सीखा कि फेज डिफरेंस इज द डिफरेंस इन फेज एंगल्स बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वेव। कि जब आप कोई भी वेव ड्रॉ करते हो तो उसके हर पॉइंट के लिए थीटा की कोई वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम उस पॉइंट का फेज कहते हैं, ठीक है। और दो पॉइंट्स के दरमियान फेज एंगल्स का जो डिफरेंस है उसे हम फेज डिफरेंस कहते हैं। इट इज मेजर्ड इन रेडियन, तो इसको हम रेडियंस में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पाथ डिफरेंस। अब इसी तरह मैं अगर वेव को ड्रॉ करता हूं,
इसी वेव को अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूं, ठीक है, और अब मैं कहूं कि मुझे अब ये मेरा सपोज डिस्टेंस एक्सिस है, ये एक्स डिस्टेंस बता रहा है। अब ये पॉइंट आपने देखा कि इस पॉइंट को मैंने ए कहा था, ये जो पॉइंट है ये ए था, ये पॉइंट मेरा बी था, इन दोनों के दरमियान ये जो पॉइंट है इसको मैं सी कह देता हूँ। अब मैं कहूँ ए और बी में डिस्टेंस बताओ, अब ए और बी में जो डिस्टेंस है या फासला है, अब दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं, कि लैम्डा के इक्वल होगा। इसी तरह मैं कहूं ए और सी के दरमियान डिस्टेंस बताओ, अब क्योंकि सी ए और बी के मिड में है तो इसमें ए और सी का जो डिस्टेंस है ए और बी का हाफ यानी कि लैम्डा बाय टू होगा। तो ये जो दो पॉइंट के दरमियान बेटा फासला होता है ना, इसे हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो पाथ डिफरेंस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, पाथ डिफरेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वेव, के वेव के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है उसे हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। पाथ इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इसे हम इसे या तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ मेजर करते हैं या इन मीटर्स, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो ये था बेटा हमारे पास फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। अब जैसे ये एक वेव है और मैं इसके कहूं कि यहां पे हम फेजेस लिखें, जैसे यहां पे फेज जीरो होगा, पॉजिटिव पी का फेज होगा पाई बाय टू, इसका फेज होगा पाई, इसका फेज होगा, ये नेगेटिव पी का फेज हो जाएगा थ्री पाई बाय टू, और ये टू पाई, 2 पाई में पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो ये 5 पाई बाय 2 हो जाएगा, और 5 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई। सो बेटा इस तरह हम किसी साइनोसाइड के फेजेस लिख सकते हैं। ये इस पॉइंट का मैं इस पॉइंट के नाम अगर रख दूं पॉइंट ए, इस पॉइंट का मैं नाम रख दूं पॉइंट बी, इस पॉइंट का मैं सी, इसका डी, इसका में ई, और इसका में एफ, और इसको मैं रख देता हूं जी। तो सो बेटा पॉइंट ए का फेस है जीरो, पॉइंट बी का पाई बाय टू, पॉइंट सी का पाई, पॉइंट डी का थ्री पाई बाय टू, पॉइंट ई का टू पाई, पॉइंट एफ का फेस है फाइव पाई बाय टू, और पॉइंट जी का फेस है थ्री पाई। अब अगर मैं कहूं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान मुझे फेज डिफरेंस बताओ, तो ए बी और एफ के दरमियान, बी और एफ के दरमियान बेटा जो फेज डिफरेंस होगा वो 5 पाई बाय यानी कि 2 पाई होगा, एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और अगर मैं कहूं कि मुझे बी और एफ के दरमियान पाथ डिफरेंस बताओ, तो बेटा जो बी और एफ के दरमियान पाथ डिफरेंस होगा वो होगा कितना, लैम्डा। इसी तरह बेटा मैं कहूं कि बी और डी के दरमियान मुझे फेज डिफरेंस बताओ, तो बी और डी के दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा वो आ जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 यानी कि 2 पाई बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू पाई रेडियन, और मैं कहूं इनमें पाथ डिफरेंस बताओ तो वो क्या होगा, लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान फेज डिफरेंस 2 पाई होता है और दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है। इस तरह एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान फेज डिफरेंस पाई होता है और जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है। ये बातें ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है रिलेशन बिटवीन पाथ एंड फेज डिफरेंस। अब ये चीज ध्यान में रखना बेटा कि अगर आप दो पॉइंट्स के फेज डिफरेंस को 2 पाई से डिवाइड कर दें और पाथ डिफरेंस को लैम्डा से, ये रेशियो हमेशा इक्वल होगी। तो लिहाजा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं फेज डिफरेंस को फाई से रिप्रेजेंट कर दूं और पाथ डिफरेंस को एक्स से, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि फाई ओवर 2 पाई
ये इक्वल हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स ओवर लैम्डा। तो यहां से फाई को मैं लिख सकता हूँ, ये टू पाई को इधर मल्टीप्लाई कर दें, टू पाई एक्स ओवर लैम्डा, तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के दरमियान। आप इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये बात कैसे सही है। अभी बेटा मैंने आपको कहा है कि दो पॉइंट्स के दरमियान, जैसे ये दो पॉइंट्स लास्ट वाली स्लाइड में आपने सीखा था कि दो कंजेक्टिव क्रेस्ट के दरमियान या दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है, यानी कि जो फाई होगा वो कितना होगा, टू पाई रेडियन, और जो पाथ डिफरेंस होगा एक्स वो कितना होता है, लैम्डा, और लेट्स सपोज इसका ऐसा यूनिट मीटर है। और फिर आपने ये भी सीखा कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान, लेट्स सपोज ये इस पॉइंट को ए कहा था, इसको बी, और इसको मैंने सी कहा था, ए और सी के दरमियान जो आपका फेज डिफरेंस होता है वो होता है पाई रेडियन, और जो पाथ डिफरेंस होता है वो बच्चे होता है लैम्डा बाय टू। अब अगर यही फार्मूला लगाऊं कि मैं क्या करूं कि फाई को किस पे डिवाइड कर दूं, टू पाई पे, और पाथ डिफरेंस को किससे डिवाइड कर दूं, लैम्डा से, देखते हैं ये रेशियो सेम आती है नहीं। फाई की मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं पाई, ये आ जाएगा पाई ओवर टू पाई, और एक्स की मैं वैल्यू लैम्डा बाय टू पुट कर देता हूं ओवर लैम्डा, तो बेटा यहाँ पे वन ओवर टू आ जाएगा और इधर भी वन ओवर टू। तो आपने देखा कि अगर फेज डिफरेंस को टू पाई से और पार्ट डिफरेंस को लैम्डा पे डिवाइड कर तो रेशियो सेम रहती है। इस तरह अगर ये इस केस के ऊपर वाले केस के लिए भी आप करो कि फाई डिवाइडेड बाय टू पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस ओवर लैम्डा, ये रेशियो सेम रहती है। फाई की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, टू पाई ओवर टू पाई, और x की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें लैम्डा ओवर लैम्डा, तो आप देखें दोनों साइड्स पे आंसर इक्वल आ जाएगा। सो याद रखिएगा कि जब भी आप फेज डिफरेंस को 2 पाई से डिवाइड करते हैं ऐसे, और पार्ट डिफरेंस को लैम्डा से, तो ये रेशियो जो रहती है इनकी दो पॉइंट्स की, ये हमेशा सेम रहती है। तो इससे हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया कि जो फेज डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है 2 पाई टाइम्स द पाथ डिफरेंस ओवर लैम्डा। नेक्स्ट है बेटा, इन फेज पॉइंट्स क्या होते हैं, द पॉइंट्स ऑन अ वेव व्हिच हैव पाथ डिफरेंस लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आर कॉल्ड इन फेज पॉइंट्स। कि किसी वेव के ऊपर ऐसे पॉइंट्स जिनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो उन्हें हम इन फेज पॉइंट्स कहते हैं। अच्छा, इन फेज पॉइंट्स को हम इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि द पॉइंट्स ऑन अ वेव व्हिच हैव फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई आर कॉल्ड इन फेज पॉइंट्स। अब जैसे मैंने ये एक वेव बनाई है, इसमें मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी का आपसे पूछता हूं, मैं पूछता हूं क्या ए और बी इन फेज है या नहीं, तो आप देखोगे कि इनमें जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा है, और जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, टू पाई रेडियन है। तो इसका मतलब है कि ऐसे पॉइंट जिनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा या फेज डिफरेंस टू पाई रेडियन हो वो इन फेज होते हैं। यस, ये इन फेज पॉइंट्स हैं। अब मजीद एग्जांपल देखते हैं इन फेज पॉइंट्स की। अब जैसे देखो बेटा, पॉइंट ए और ए डैश ये आपस में इन फेज है क्योंकि इनमें जो पाथ डिफरेंस है, सॉरी फेज डिफरेंस टू पाई है और पाथ डिफरेंस लैम्डा है। इसी तरह बेटा ये जो पॉइंट बी और पॉइंट बी डैश है ये दोनों आपस में इन फेज है क्योंकि दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान भी जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा होता है और जो फेज डिफरेंस होता है वो टू पाई होता है। तो सो ए और ए डैश आपस में इन फेज हैं, बी और बी डैश आपस में इन फेज। इसी तरह बेटा ये जो सी और सी डैश है ये भी आपस में इन फेज है। इसी तरह डी और डी डैश भी है,
ये भी आपस में इन फेज है। तो सपोज से दो पॉइंट्स जिनमें पाथ डिफरेंस 2π 4π या इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो सॉरी फेज डिफरेंस, तो वो इन फेज होते हैं, और पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो वो इन फेज पॉइंट्स होते हैं। इन द अबव वे फॉर्म द फेज द पॉइंट्स इन फेज पॉइंट्स आर ए ए डैश बी बी डैश सी सी डैश एंड डी डी डैश। नेक्स्ट है बच्चों आउट ऑफ फेज पॉइंट्स, द पॉइंट्स ऑन द वेव व्हिच हैव पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2। अब आप नोट करें लैम्डा बाय 2 के साथ 1 3 5 यानी ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 आर कॉल्ड आउट ऑफ फेज पॉइंट्स। या हम कह सकते हैं कि द पॉइंट्स ऑन द वेव व्हिच हैव फेज डिफरेंस ऑफ पाई 3 पाई 5 पाई एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आर कॉल्ड आउट ऑफ फेज पॉइंट्स। अब जैसे मैं आपको कहूं पॉइंट ए और पॉइंट बी, अब देखिए बेटा पॉइंट ए और पॉइंट बी में आप लोगों ने देखा था कि जो फेज डिफरेंस है वो पाई था और जो पाथ डिफरेंस था वो लैम्डा बाय 2 था, तो सो ए और बी आपस में आउट ऑफ फेज पॉइंट्स है। तो बेटा सिंपल ये बात है कि अगर एक पॉइंट पॉजिटिव पीक पे और एक दूसरा पॉइंट नेगेटिव पीक पे, ठीक है, अपोजिट पीक्स वाले पॉइंट्स जो होते हैं आउट ऑफ फेज होते हैं, और जो सेम पीक्स पे होते हैं पॉइंट यानी दोनों पॉजिटिव पे हों या दोनों नेगेटिव पे हों, यानी कि जो सेम स्टेट में होते हैं वो इन फेज पॉइंट्स होते हैं। तो इन फेज पॉइंट सेम स्टेट में होंगे जबकि आउट ऑफ फेज पॉइंट्स अपोजिट पीक्स पे होंगे। आउट ऑफ फेज पॉइंट की एग्जांपल जैसे मैंने कहा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट आपस में आउट ऑफ फेज हैं, इसी तरह ए पॉइंट मतलब इनमें अगर मैं देखूं तो पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाय 2 है और जो फेज डिफरेंस है वो पाई है। इसी तरह बेटा आपको पता है ये जो डिस्टेंस है ये पाथ डिफरेंस लैम्डा है और फेज डिफरेंस 2 पाई है। तो अब अगर मैं कहूं ए और बी 1 को देखो तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा इनमें जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2 और जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई 3 पाई। तो सो बेटा ए और बी आपस में आउट ऑफ फेज हैं, ए और बी डैश 1 भी आपस में आउट ऑफ फेज हैं, इसी तरह ए 1 और बी 1 भी आपस में आउट ऑफ फेज हैं, ए 1 और बी भी आपस में आउट ऑफ फेज हैं। इन द अबव वे फॉर्म द आउट ऑफ फेज पॉइंट्स आर सी एंड डी। अब ये देखो सी और डी आपस में आउट ऑफ फेज हैं, मतलब जब सी पॉजिटिव पीक को पहुंचेगा तो डी नेगेटिव पीक को पहुंचेगा। इस तरह सी एंड डी डैश, सी और डी डैश भी आउट ऑफ फेज पॉइंट्स हैं, ए एंड बी, ए और बी भी आपस में आउट ऑफ फेज हैं, ए एंड बी डैश भी आउट ऑफ फेज हैं, सी एंड डी डैश भी आउट ऑफ फेज हैं, और ए डैश और बी डैश भी आपस में आउट ऑफ फेज। तो सो बेटा सिंपल ऐसे पॉइंट जिनमें पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो या फेज डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, वो आउट ऑफ फेज पॉइंट्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही।